और अब बढ़ते हैं चुनावी खबरों की तरफ, जहां निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ ईसी से शिकायत की गई है। भाटी के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी द्वारा दर्ज करवाई गई है। आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने का आरोप लगाया। पोस्टर से मतदाताओं को गुमराह करने का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा हुआ है। ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। लगातार बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़े रहे रविंदर सिंह भाटी, विधानसभा चुनाव हो और अब लोकसभा चुनाव में भी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये शिकायत इलेक्शन कमीशन से की गई है कि आचार संहिता का उल्लंघन रविंदर सिंह भाटी द्वारा किया जा रहा है। तो भीलवाड़ा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में यह शिकायत दर्ज कराई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी हैं और उनके सामने चुनौती दे रहे हैं रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में। राजू माली हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में ये शिकायत बीजेपी के द्वारा दर्ज कराई गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? जी राहुल, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले दो दिनों से बाड़मेर में सोशल मीडिया पर एक फोटो जो है, एक पोस्टर जो है, तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है कि मैं हूं मोदी का परिवार, और इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी की जगह रविंदर सिंह भाटी का पोस्टर लगा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी के स्थानीय बीजेपी के जो नेता है, जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने प्रदेश में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद भाजपा चुनाव प्रबंध समिति ने मुख्य चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करवाते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जी, तो क्या कुछ रिएक्शन अभी क्या भाटी की तरफ से भी सामने आया है, कि भाटी के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर या किसी अन्य माध्यम से कोई रिएक्शन इस पूरी शिकायत को लेकर दिया गया? जी, रविंदर सिंह भाटी से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अभी चुनाव प्रचार अभियान में चल रहे हैं, हमारी उससे बात नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से जो पोस्टर वायरल हो रहे हैं, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता उनके समर्थक जो है वो लगातार पोस्ट करेंगे, ये कोई असामाजिक तत्वों का काम है। रविंदर सिंह भाटी के खेमे की तरह से इस तरह का कोई पोस्टर वायरल नहीं किया गया। जी, क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कार्रवाई कोई सामने आई है अब तक इस शिकायत के दर्ज हो जाने के बाद? जी, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो शिकायत भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई है उसकी जो कॉपी है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर, उनके लिए बड़ी चुनौती धीरे धीरे बनते दिखाई दे रहे हैं रविंदर सिंह भाटी, और अब ये शिकायत जो बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई है, क्या राजू भाटी के कैंपेन पर इस पर कोई बड़ा असर पड़ेगा इससे? जी नहीं, फिलहाल इस पर तो कोई होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी ने पहले ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, और रविंदर सिंह भाटी लगातार चुनावी प्रचार में हैं और लोगों से मिल रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। लगता नहीं कि शिकायत से कुछ उनके चुनावी जो अभियान है उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला है। जी ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।